ये नंबर देख लीजिए, एफ एक्स बार दिया एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस वन, और एक्स कह रहा है कि माइनस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स यू बाई वी पे ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर एक्स माइनस टू का, तो वन इंटू में एक्स प्लस वन माइनस, ऊपर वाले को वैसे ही रख देंगे और इंटू में हम लोग एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वन एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू और बटा में आपका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा आपका। तो ऊपर आपका यहाँ कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, आ जाएगा एफ डैश एक्स जो आ जाएगा आपका थ्री बटा में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तो कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगा एफ डैश एक्स के लिए, बस यहाँ आपको चूंकि आपके पास दिया हुआ कि एक्स नॉट इक्वल टू वन, तो इसी के लिए लेके चलेंगे बस, एक्स वन के इक्वल माइनस वन, माइनस वन सॉरी, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो इसी के लिए लेके चलेंगे। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना, चिन्ह योजना। चलिए माइनस वन को नहीं लेना है, इसके इधर ले सकते हैं इधर ले सकते हैं, तो इसके इधर अगर कोई वैल्यू लेते हैं उसके लिए देखो, इसके इधर कोई भी वैल्यू लोगे, मान लो इसके बीच में हम लेते हैं कुछ भी ले लो यार, मान लो माइनस टू ले लिए, तो ये स्क्वायर हो रहा है तो प्लस में ही आएगा, और यहाँ जो होगा ये भी प्लस में ही आएगा, तो दोनों जगह पॉजिटिव ही हो रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंतराल, अंतराल माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और माइनस वन से इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है वह जीरो से ग्रेटर है, इसलिए इसलिए एफ एक्स आपका माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन आपका माइनस वन से इन्फिनिटी, माइनस वन को छोड़ देना है उसके बीच का ले सकते हैं, में वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। अच्छा वर्धमान फलन हो गया, ह्रासमान के लिए तो कोई अंतराल ही नहीं है, ह्रासमान फलन के लिए, ह्रासमान फलन के लिए, फलन के लिए कोई अंतराल नहीं है, कोई अंतराल नहीं है, कोई अंतराल दिख रहा है नहीं है ना निगेटिव के लिए। चलिए तो ये आपका ये हो गया क्वेश्चन।